सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। बिगुल सुपर सेट, गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को। ये खरीदारी की राय है हैवल्स पे, हैवल्स जो एफएमईजी की कंपनी है, इस पे खरीदारी की राय है। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट बता दूं 1720 1720 और पोजिशनल टारगेट 1911 जुलाई 2023 से, विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को लगातार बार बार निचले लेवल से हैवल्स को। हैवल्स एफएमईजी की कंपनी है, केबल्स की कंपनी है और रियल एस्टेट से काफी अच्छा केबल्स का ट्रैक्शन दिख रहा है इनको, स्विच गियर्स का, कंज्यूमर अप्लायंसेस का। चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे दिखे, 18% वाईओवाई वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिखी और मार्जिन भी 80 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे 11.7%, जबकि मुनाफा 24% से बढ़ते हुए दिखा। गवर्नमेंट का डेफिनेटली ट्रस्ट है इंफ्रा पे, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट रहेगा हैवल्स के लिए। साथ ही साथ जो एयर कंडीशनर सेगमेंट है उसमें भी इनको स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है। लॉयड्स जो इनकी वन ऑफ द क्वेट ब्रांच है, इसमें भी मार्जिन में बढ़ोतरी हो सकती है। 800 करोड़ का केपेक्स है और 31% का मुनाफा सीएजीआर ग्रो हो सकता है। हैवल्स एक हाउस होल्ड नेम है जिसका टारगेट शॉर्ट टर्म रह सकता है 1720 और 1911 पोजिशनल। तो ये है आपके लिए हैवल्स, जो सिद्धार्थ जी को काफी टाइम से पसंद है, यहाँ पर एक्शन अच्छा दिख सकता है। आइए, डबल अपग्रेड आया है इस काउंटर के लिए, बाजार में काफी एक्साइटेड हो रहा है, अच्छे टारगेट्स भी निकल कर आए हैं। ऑफकोर्स केमिकल स्पेस पर मजबूत पकड़ सिद्धार्थ जी की है, तो उस पर एक बार राय भी लेनी पड़ेगी। सिद्धार्थ जी, काफी पॉजिटिव कॉमेंट्री, काफी बढ़िया रिपोर्ट इस पर निकल कर आई है, कैसे अप्रोच करना चाहिए सर? बिल्कुल दीपांशु, रिपोर्ट बहुत बेहतरीन है और दीपक नाइट्रेट स्टॉक उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। हालांकि हमारे टारगेट से ऊपर चल रहा है, हम रिवाइज टारगेट जरूर लाएंगे, बट दीपक नाइट्रेट जैसे कहा केपेक्स सबसे बड़ा पॉइंट है। आज से 4 साल पहले जब इन्होंने फिनोल और एसिटोन का केपेक्स किया था, वो सबसे पहला केपेक्स था। उसके बाद मार्केट ने रीरेट किया इस स्टॉक को और स्टॉक की चाल बढ़ी 200-300 रुपए से, आज जहां हम 28,000 पे देख रहे हैं। तो ये दीपक नाइट्रेट अभी भी एसिटोन फिनोल पे ज्यादा केपेक्स कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट केमिकल है जो ज्यादातर मात्रा में चाइना से इम्पोर्ट किए जाते थे, जो दीपक नाइट्रेट भारत में बना रहा है और जहां पे मार्जिन भी इनके बेहतर है। तो मैं मानता हूं 10% बाय डी बॉटल ये लोग फिनोल की कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। डिमांड रिकवरी FY25 में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब पॉइंटर्स देखते हुए मुझे लगता है दीपक नाइट्रेट अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल 1-2 सालों के लिए आपको छोड़ना नहीं है। से 2 सालों के लिए छोड़ना नहीं है, ये सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी, सीमेंस भी मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा एक्शन हम कमेंट्स में भी आते हुए देख रहे हैं। रिसेंटली इनकी गाइडेंस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ था, क्या व्यू रखते हैं सर आप? देखिए दीप, ये पूरे ही कैपिटल गुड सेगमेंट पे मेरा बहुत पॉजिटिव व्यू है। आपको पता है सीमेंस में बहुत ही निचले लेवल से रेकमेंड करते आ रहा हूं और क्यूमिंस का जो अभी गाइडेंस आया था, जो मैं मानता हूं कि जो ग्लोबल इनके जो पेरेंट का गाइडेंस था, वो मैं मानता हूं कि इंडियन कंटेक्स्ट में काफी गलत तरीके से लिया गया था, पर मैं मानता हूं कि क्यूमिंस यहां से काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि डीजल इंजन के जो साइड में जो है, डिफेंस में भी इनके ऑर्डर्स बहुत स्ट्रांग है, रेलवेज में स्ट्रांग है। तो ये दोनों में सीमेंस के तो हमारे टारगेट के ऊपर चल रहा है, बट क्यूमिंस में मुझे लगता है कि यहां से एक अच्छे खासे टारगेट आ सकते हैं। तो क्यूमिंस पे आप जरूर नई खरीदारी करनी हो तो कर सकते हैं। कमेंट्स पर आप नई खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा हमने देखा भी था फ्राइडे को गाइडेंस को लेकर कंफ्यूजन हुआ था, बट उसके बाद बाजार का भरोसा इस पर बढ़ते हुए दिख रहा है, फिलहाल हल्की बढ़त के साथ काउंटर ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ जी, एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपसे भी राय लूंगा, 10% की मूव सर आज के ट्रेडिंग सेशन में। देखिए बहुत जबरदस्त मूव है और गोदरेज प्रॉपर्टीज का एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है। आने वाले समय में जिस हिसाब से इनके प्री सेल्स हो रहे हैं, ये और भी जबरदस्त हो सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से एक्चुअल डिमांड है ऑन द ग्राउंड, जो कांदिवली का प्रोजेक्ट है फुल्ली सोल्ड, तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। बट इसके पैरेलल साथ में इसका जो पीयर है डीएलएफ, इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट की कल ओपनिंग की थी लास्ट वीक, तो इसके भी बहुत जोरदार डिमांड दिख रही है, बहुत वेल रिसीव्ड है ऑन द ग्राउंड गुड़गांव के जो प्रोजेक्ट है।
तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों ही कंपनियों में जो एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है ये काफी स्ट्रांग है, और ज्यादातर मैं मानता हूँ डीएलएफ में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ज्यादा बेहतर है। तो अभी भी अगर रियल एस्टेट पैक में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत चल चुके हैं। पर अगर आपने ले रखा है तो दोनों कंपनियों पर आप वेट एंड वॉच और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी अभी नहीं। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक बड़ी मूव आपके लिए आती हुई दिख सकती है, आती हुई दिखी है। सिद्धार्थ जी, आपके रेडार पर है M&M फाइनेंस? ऑफ लेट हर कुछ महीने में कुछ ना कुछ खबर आती है जो फिर मार्केट इसकी नेगेटिव भी लेता है, और रिसेंटली भी खबर के बाद थोड़ा नेगेटिव भी ट्रेड कर रहा है, क्या राय रखनी चाहिए सर इस पे? बिल्कुल दीपांशु, और मैंने ऑफ लेट तो नहीं रेकमेंड किया है, बट हाँ करीबन 4-5 महीने पहले मैंने जरूर रेकमेंड किया है। वहां से शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो हो गए बट पोजिशनल टारगेट्स नहीं आए हैं, तो इट हैज फेल्ड टू डिलीवर इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी है, नए प्रोडक्ट्स पे जाने की योजना भी है क्वार्टर आफ्टर अनादर, जो बजाज फाइनेंस के भी है इन द एनबीएफसी स्पेस, बट इनके जो डिसबर्समेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे। तो अगर आपने ले रखा है तो कुछ एक आध क्वार्टर और वेट करें, पर फ्रेश खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। अभी रुक जाए, एक बार माहौल देख लेते हैं, क्योंकि आरबीआई के भी बहुत सारे क्लॉज और पॉलिसीज और डिस्कशन पेपर्स आ रहे हैं, तो अभी वेट एंड वॉच करें फ्रेश खरीदारी के लिए। ओके, अभी वेट एंड वॉच करें फ्रेश खरीदारी के लिए, यह है आपके लिए M&M फाइनेंस जहां पर एक्शन। सिद्धार्थ जी, हर क्वार्टर बात होती है कि बस 2 क्वार्टर और SRF का रिवाइवल आ जाएगा, कभी कभी ये वैसे पॉजिटिव सरप्राइजेस भी दे देता है। पिछली बार कमेंट्री काफी अच्छी आई थी, बट इस बार जैसा आशीष कह रहे हैं नंबर से तो कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है सर। जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन नहीं है, पिछले 2 क्वार्टर के इनफैक्ट खराब नंबर्स दिखे थे, और मैं मानता हूं कि अभी भी प्राइसिंग प्रेशर बने रहेंगे। रेफ्रिजरेंट गैसेस और उनके जो स्पेशलिटी एलियट प्रोडक्ट्स है, इसमें भी प्रेशर्स रहेंगे मार्जिन्स के। तो मैं मानता हूं कि ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप जरूर अपना सकते हैं, बट निवेश के रूप में या पोजिशनल रूप में अभी एंट्री नहीं बनती है अगर खराब नतीजे हैं। और ये मार्जिन्स में कितने बड़े मिस आते हैं ये मैं देखना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी रहेगा, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि कितना स्टॉक गिर सकता है और क्या रिकवरी हो सकती है आने वाले समय में। हालांकि इनके जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे चाइना में भी प्राइसिंग प्रेशर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे SRF को कोई ज्यादा रिस्पाइट नहीं दिख सकता है। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच, कैसा रिजल्ट आता है उसके बाद रणनीति बना सकते हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच SRF पर आपके लिए व्यू आ रहा है, देखते हैं इस बार नंबर्स कैसे आते हैं, अगेन कमेंट्री पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्या लास्ट टाइम की तरह कमेंट्री कंपनी मेंटेन करती है या नहीं। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए भी सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। दीपांशु, मुझे लगता है कि UBL की अभी बात चल रही थी इस पे, हालांकि हमारी कॉल भी है, रिपोर्ट भी है, टारगेट भी है। जो हमारा टारगेट बनेगा वो करीबन 2050 का शॉर्ट टर्म बन सकता है और 2150 का पोजिशनल बन सकता है। यूनाइटेड ब्रूवरीज वॉल्यूम कैन ग्रो बाय 8%, मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, मुनाफा 10% से ग्रो हो सकता है। तो मुझे लगता है कि UBL शॉर्ट टर्म 2050 और 2150 का पोजिशनल टारगेट, 50 और 2150 के टारगेट के लिए UBL यूनाइटेड ब्रिवरीज यहां पर करके चल सकते हैं आप खरीदारी। यह है आपके लिए काउंटर इन फोकस। आइए फिर क्लोजिंग क्या है उसके बाद आज बाजार का मूड भी करता हो। विदा लेने का वक्त है, हमारे सभी मेहमानों से शुक्रिया अदा करेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, वागे साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सैरानी साहब, जय ठक्कर साहब और आशीर्वदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए और कल सुबह आप सबसे हम मुलाकात करेंगे। फिलहाल नेहा जी तैयार है आपको कमोडिटी बाजार का अपडेट बताने के लिए। नेहा जी, दिस डेटा इज फ्रॉम आवर रिसर्च रिपोर्ट कवरेज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।